हाय गाइस, दिस इज़ करण। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक 35,000 रुपीज़ के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कंपोनेंट लगाने चाहिए अपने 35,000 रुपीज़ के बजट पीसी बिल्ड में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने पीसी बिल्ड के पहले कंपोनेंट की। जो सबसे मेन है वो है सीपीयू। खैर ये सीपीयू तो नहीं है, एक एपीयू है एएमडी की ओर से। एएमडी का राइजन 5 3400G। ये एक 4 Core 8 Thread का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आता है रेडियन वेगा 11 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। ये प्रोसेसर आता है 3.7 GHz के बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ। और बूस्ट क्लॉक की बात करें तो ये आता है 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ। इस प्रोसेसर में आपको 6 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 65W की TDP के साथ आता है ये प्रोसेसर। ये पीसी बिल्ड एक फ्यूचर अपग्रेडेबल पीसी बिल्ड होने वाला है, इसलिए हमने इस पीसी बिल्ड में सीपीयू की जगह एपीयू यूज़ किया है। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने का बजट नहीं है तो ये एपीयू आपकी गेमिंग अभी से स्टार्ट करवा देगा। और अगर बाद में आपके पास एक डेडिकेटेड जीपीयू लगाने का बजट हो जाता है तो आप इसमें 1660 सुपर तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। ये प्रोसेसर आराम से सपोर्ट करेगा, बिल्कुल भी बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा आपको इस प्रोसेसर के साथ, क्योंकि ये प्रोसेसर अपने आप में ही काफी बेहतरीन 4 Core 8 Thread का प्रोसेसर है। जिसके बाद आप इसमें 1080p अल्ट्रा सेटिंग तक की गेमिंग कर सकेंगे और उसको लाइव स्ट्रीम भी कर सकेंगे 1660 सुपर के इंटीग्रेटेड NVAC इनकोडर के साथ। इस प्रोसेसर के साथ आपको बॉक्स में AMD का स्टॉक रेत स्पायर कूलर देखने को मिल जाएगा, जो इस प्रोसेसर की कूलिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब इस APU की प्राइस की बात करें तो Ryzen 5 3400G आपको 12,500 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इस पीसी बिल्ड के सेकंड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है गीगाबाइट का B450TS3H मदरबोर्ड। ये एक बेसिक सा B450 मदरबोर्ड है गीगाबाइट की ओर से। अब इस बिल्ड में मैंने B450 क्यों रिकमेंड किया, A320 क्यों नहीं, क्योंकि B450 के साथ आपको ज़्यादा फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के स्कोप मिल जाती है, और A320 की बात करें तो आपको ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का, क्योंकि ये मदरबोर्ड एक B450 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है। तो इसमें आप अपने APU को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं और अपने APU से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। अब इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये मदरबोर्ड आपको 6,500 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने पीसी बिल्ड के थर्ड कंपोनेंट की, जो है रैम। रैम में हमने चूज़ की है कॉर्सेयर वेंजियंस LPX 8GB DDR4 3000MHz की 2 stick, टोटल में 16GB। 16GB इसलिए मैंने रिकमेंड की है क्योंकि 2GB तो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक ही ले लेगा, क्योंकि अगर आप 8GB की सिंगल स्टिक लगाएंगे तो 2GB तो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक ले लेगा, तो 6GB आपके लिए बहुत कम हो जाएगा अपने गेम्स को रन करने के लिए। और हम डुअल चैनल के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि AMD का CPU हो या फिर APU काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाता है डुअल चैनल मेमोरी का, और आपको गेम में ज़्यादा FPS देखने को मिलेंगे सिंगल चैनल मेमोरी के मुकाबले। और 3000MHz के नीचे तो जाना ही, क्योंकि AMD के CPUs और APUs को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है अपने मेमोरी में ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालने के लिए। अब इस रैम की प्राइस की बात करें तो ये आपको 6,500 रुपीज़ में 2 stick आपको देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में हमने यूज़ की है 120GB की SSD। चाहे वो आप किंगस्टन से लो, ADATA से लो, WD से लो या फिर कैलेक्स से लो, आप कहीं से भी लो, जो आपको सस्ता मिले आप ले सकते हो 120GB की SATA SSD, जिसमें आप अपनी विंडोज़ और एक दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। और अपने PC में SSD लगाने से आपका PC काफ़ी रिस्पॉन्सिव और स्नैपियर बन जाएगा, और अपनी SSD में विंडोज़ इंस्टॉल करने से आपका बूट टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 120GB की SSD की प्राइस की, तो ये आपको 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मास स्टोरेज की बात करें तो हमने चूज़ की है 1TB की Seagate या फिर WD की, जो आपको सस्ती मिले। आप कोई भी हार्ड डिस्क ले सकते हो जिसमें आप अपने गेम्स या फिर अदर अपने पर्सनल डाटा स्टोर कर सकते हो। अब 1TB हार्ड डिस्क की प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी 3000 रुपीज़ के आसपास ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बिल्ड में यूज़ होने वाले PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। तो इस बिल्ड में आप 450W की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं Antec, Cooler Master, Corsair, जिनकी आपको सस्ती मिलती है, आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि 450W सफिशियंट होगा इस टाइप की PC बिल्ड के लिए। अब 450W के पावर सप्लाई की प्राइस की बात करें तो ये 2500 रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिल्ड में यूज़ होने वाले कैबिनेट। तो मैंने इस बिल्ड में यूज़ किया है NT Sport का IS200TG। ये एक मिड टावर RGB गेमिंग कैबिनेट है। कैबिनेट में आपको टेम्पर साइड पैनल देखने को मिल जाता है। अब इस कैबिनेट की प्राइस की बात करें तो ये आपको 2800 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन तो वैसे मुश्किल ही है इसका मिलना,
ऑनलाइन आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है आप जाके ले सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं इस कैबिनेट को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 3000 के अंदर इससे बढ़िया कोई कैबिनेट नहीं है। वैसे कैबिनेट में आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। अब इस बिल्ड के टोटल प्राइस की बात करें तो ये आपको 35,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस बिल्ड में आपको काफ़ी अच्छा फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। अब इस पीसी बिल्ड के गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको 720p से 1080p लो टू मीडियम सेटिंग में गेमिंग करवा देगा। अगर आप इस बिल्ड का गेमिंग बेंचमार्क देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस बिल्ड के सारे कंपोनेंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इस बिल्ड के साथ आप कौन कौन से पेरिफेरल्स यूज़ कर सकते हैं उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।